ने बताया कांता अंडोत्रा और साथ ही चौधरी लाल सिंह जी यानी के उनके समर्थक और अन्य सियासी दलों के नेता और समाजी दलों के नेता यहां पर मौजूद थे। उसी के चलते उसमें उस वार्तालाप में ये भी कहा गया कि युवा राजपूत सभा ने पूरा समर्थन दिया है। चलिए, इस समय सदस्य मौजूद हैं, नए जो प्रेसिडेंट हैं, पूर्व प्रधान हैं राजन सिंह हैप्पी जी भी, इन सबसे बात करेंगे। आखिर क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, हम डोगरों की आवाज़ उठाते हैं, डोगरी गै बोलना, हुन डोगरे दी गल चुकने हुन्ने आ। पहले भी तो डोगरे दा साथ है साडा, अस इह आखगे कि कोर्ट कचहरियां कहदे वास्ते बनी दियां। अगर कोर्ट कचहरी पहला केस चला दा हा तां उहदा फैसला कोर्ट ही करेगी जी। मैनूं लगदा नहीं है कि कोई फैमिली की हरास करना चाहिए। अस नहीं ये चाहिए, क्योंकि एज ए डोगरा और एज ए राजपूत अस लाल सिंह करना आ, और अस नहीं चाहिए कि उसी कोई हरास कर आईयां। और अस ये भी आखिए कि कला लाल सिंह नहीं है जड़ा जिसी ईडी तंग कराई है, कि इतने बड़े बागड़ बिले ने जिन्हें अजे चार चार साल नहीं हो राजनीति च आए थे, तो अज उन्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। असीं सरकार की इह आखगे कि सरकार अपना वजूद अपना खुद घटा दी है, अपनी वैल्यू घटा दी है, और इह आखगे कि जो चौं साले के आए थे अज उन्दे कोल लखां करोड़ां रुपये प्रॉपर्टी है, तो उन्दे पर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? उन्हें बागड़ बिल्ले भी फड़ना चाहिए। अगर लाल सिंह और दो बार दे एमपी ने, दो बार हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, मेरे ख्याल फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए रहे हैं काफ़ी बार, तो चलो अगर कोई ऐसी गल है भी है तो मेरे ख्याल लोगों के बिच होना चाहिए, पता होना चाहिए लोगों पर उन्हें फैंस कहना लगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं लगता कि बड़ी गलत गल है, वो वास्ते युवा राजपूत सभा का समर्थन जी। चलिए, राजन सिंह बड़ी बुलंद आवाज़ है। राजन सिंह जी, तुम के आख गए, जी भैया ने आख्या कि बागड़े बिल्ले हैं, उन्हें बागड़े बिलेंगे कोई नहीं आखता, तो नाले जरा उनके परिवार वाले इल्जाम लगा दे कि चौधरी साहब की प्रेशराइज किया जा रहा है कि एक पार्टी विशेष जिले अंगर से सारा होंगे जो दावे तुली जाएंगे। रश्मि जी जी, एक निकनी गल है ना, साढ़े जम्मू कश्मीर का पता किस हिसाब होगा, एक डायलॉग नहीं है, रब तो साढ़े हालात जट देने कहना किसी ने भी कख नहीं। साढ़े जम्मू च डोगरे कुछ भी कुछ कहने का हक नहीं रहा, जोड़ा भी कोई बोला उसी कुछ ना कुछ तरीके तंग किए जाता, कोई परसनल होइए तंग किए जाता, कोई किए किए जाता। लेकिन मैं एक दिन पहले भी आख्या हाँ कि कानून कहते वास्ते है, हाई कोर्ट कहते वास्ते, अगर उन्हें हाई कोर्ट चला देना फिर उन्हें तुम्हें नजायज़ तंग करने का, बच्चे ही नहीं मिलने देना, ये कि हिंदुस्तान के राज चला दा? बाकी अस डोगरे आखने शान कन्नै, लाल सिंह भी साढ़ा भ्रा है बड़ी शान कन्नै, अस ये भी नहीं आखे शान कन्नै साढ़ा भ्रा है वो। अगर मेरे ख्याल दे विच 30-35 साल दे कैरियर दे विच अगर ओदी मेरे ख्याल कांता मैडम होरां मन्ने भी है, अगर साढ़े कोल 10 या 15 कनाल जमीन ज़्यादा है, अस छड्डने तैयार बैठे दे आ, तुस NOC लाओ जिसी मर्जी देने तैयार बैठे दे, फिर एक जबरदस्ती ओहदे पर होवा दी है, ते अस लोग बोलचै भी नहीं, अस उहदे कन्नै खड़ोते दे आ। लेकिन कानूनी प्रक्रिया विच अस कानून के आड़े हाथ नहीं आ रहे हैं, बाहर बैठने की गल है, जैसे रोड पर उतरने की गल आओ तो तुम्हें पता है अस पहले भी उतरना जानने हूँ भी उतर गए, लेकिन गल आखने का मतलब यह है कि डोगरे अपनी गल जरा सा गल चुके उस गल चुकने वाले बंदे का साथ दो यार। इे लाल सिंह है जिन्हें एम्स की जगह खाली कराई दी, कल एक बड़े अफसोस की गल है, कोई एक पार्टी का बंदा आखा था कि इन्होंने वहाँ से उनके कुल्ले उखाड़ के अपना स्कूल बनाया था, इन्होंने कुल्ले उखाड़ के एम्स बनाया था, इनसे साल सही हो रहा है। ऐसे लोग सारे लोग चुप ही सुना दे। मैं ये गल आखा कि असें कि अज बड़ी देर के बाद अज अस मीडिया सामने आए हैं, कहदे वास्ते अपने भरा वास्ते, उनके बच्चे वास्ते, मैडम कांता वास्ते, क्या उनकी अक्खियों के अथरू भी कोई नहीं दिखा दा? अस आखने कि कोई गलती करता है, एक इंसान गलती करता, लेकिन वो पूरे परिवार ही पूरे डोगरा समाज ही ये पिछे नहीं घसीटना चाहिए। अगर अज साड़ी कोई आवाज़ चुका, मैं तुम्हें सुना दा, वो चौधरी लाल सिंह है, रविंदर रैना और भी आखा दे, मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, प्यारा दोस्त है, मैं सुना दा इन्हें दोस्त जेडे हैं उनके को दुश्मन चंगे होंगे। मैं पर अज तुम्हें डर नहीं लगा दा एपी जी युवा राजपूत सभा की, कि जो पहले भी तुम्हें बड़ी बहादुरी कन्नै आवाज़ चुकी टोल प्लाजे की, खमियाजा सारे ही पता के पुगत्या, लोगों ने तुसे कटाक्ष भी किया, तुहाडे उत्ते बड़े सवाल भी किए, पर अज तुस डरे नहीं कदे? मेरी गल सुनो, लोग साढ़े भरा न, मैं आखा ना कोई साढ़े कोला वध करने वाला लभे ते सही, और जेडे उस दिन बड़ियां गल्लां करा दे, अहें अज मेरे साथ 3 महीने हुई है, लेकिन उन्हें गल्लां कीतियां, कोई कुछ ने हिम्मत की टोल पर जाने की, कुछ ने गल चुकने की कीती है? युवा राजपूत सभा ने डंडे के जोर दा पर आखे दा कि टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, अस अपनी गल पर कायम हाँ, लेकिन जेडे लोग राजनीतिक पार्टियां पर इतने लीडरी करा दे उन्हें नहीं लगा कि गलत होवा दा, रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होवा दा, कोई ना कोई एक्सीडेंट इस रोड पर होवा दा, लेकिन कुछ कोल शब्द नहीं है,
अपनी अपनी राजनीति रुटियां सिक्खा इलेक्शन की तैयारियां करा ना मुद्दे उत्थे रही गए ने मुद्दे सारे गल्लां करने आस्ते अगे पर यू आर आज कोई सभा ही की देखो सारे लोग अस दिन इलेक्शन नहीं लड़नी है रश्मी जी अस जम्मू की आवाज चुकनी है तो लोगों कन्नै खड़ोना डोगरें की गल करनी है वो वास्ते भावें एक लाल सिंह चली जाग कोई पीला सिंह जाग कोई नीला सिंह लेकिन डोगरें की आवाज बुलंद होनी है देर आए दुरुस्त आए डोगरें जागना डरे पहले डरना क्यों होना एक बार जमना एक बार मरना डर असें कुछ गल्ला का नहीं है अस पहले भी आख्या सत दिन रही आए तो कोई गल नहीं अगर महीने भी कटना पौंदे अस महीने भी तैयार है जबरदस्ती धक्के मारिए गड्डे का अं उल्ले भी बाहर आए कोई आपू नहीं आए तो बाहर है तो अस इ आखिए कि उल्ले भी जो प्रशासन ने साढ़े कन्नै वादे किए हैं ना वो पर फेल है प्रशासन तो अस कोई चुप करिए नहीं बैठे रहे दिल्ली के दरवाजे खड़काए ना अगर जम्मू का प्रशासन को दिल्ली के दरवाजे खड़काए ने हो सकता उत्थे भी फेल हो गए लेकिन इतने फिर दोबारा एक बार अस मुद्दे पर जरूर जाएंगे जम्मू च की दिखने की मिलती हैं बाकी अगे पिछे की नहीं दिखती है तेरे को सवाल मैं करा मैं दिखो ना तुम खंड मिठे लोग डोगरे बस खंड मिठे रहना ही एक गल सुनाओ ना तो रश्मि जी एक कोई जम्मू की गल एक दसी रो कि साढ़े फेवर की गल कुछ ने सुनी है अगर महाराज की छुट्टी ले दी ना ये तुम्हें दिखो ये एक चेहरे है लेकिन इंदे पिछे पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम ही जम्मू के डोगरे है हर एक कम्यूनिटी के लोग है फिर भी उन्हें डांगा खाइए छुट्टी ली क्योंकि छुट्टी एम्स लिया डांगा खाइए लिया हूँ जल्द इलेक्शन करानी है वह भी डांगा खाइए कराने पौनी है इंजे साड़ी इलेक्शन तैयार है मैं बिल्कुल कस की मस नहीं हुई है सिर्फ वेट एंड वाच की स्थिति है अस मजबूर हो बाहर निकलने पर मजबूर सरकार करा दी है अस नहीं चाहते कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी का खिलाफ उठचै लेकिन जल्द पानी सिरा का उपर हो जाग जल्द लोग डुबन लगन फिर हाथ पैर ने मारने पौने हूँ हाथ पैर मारने का मौका आई है लेकिन गल आखद जल्द कोला जल्द अगर कोई दोषी है तो दोषी करार दिते जा नहीं है तो लोगों स्पष्ट किए जा किस वजह कन्नै पब्लिक डोमेन च लिया जा अस नहीं आखते हैं जनता भी अज यही पूछा दी है सिर्फ चौधरी लाल सिंह की मैं वही गल सुना कि जनता भी पता होना चाहिए इस गल का कि किस फैंस में अंदर ना अज मैं अंदर रखे रिमांड बधाई गई किस फैंस सारी जनता ही पता होना चाहिए ना रश्मि जी युवा राजपूत सभा एक ब्रांड है अस आवाज चुकने ना जल्द पिछे नहीं पौते लोगों अं बड़ा किश आख्या टोल के मुद्दे पर लेकिन मैं रश्मि जी एक गल सनाओ ना मी सनाओ युवा राजपूत सभा 40-50 मैंबर एक्टिव तुम जम्मू च लभदे न मी सनाओ जिन्ना किश अहें करी ओड़िया क्या उस बाद कुसै ने हिम्मत भी की है कोई बयान भी है कोई टारगेट करिए वह भी कौन मी तो सुनाओ जो जम्मू के डोगरे की गल करा जम्मू लोगों ने खड़ोते जम्मू की 371 मंगा वा जम्मू की अपनी स्टेट मंगा वा इये गल सुनाने अस भी आखने महाराज जी पूरी स्टेट चाहिए गिलगित बलोचिस्तान चाहिए असेंगी पीओ जेके चाहिए और लेकिन जो साड़ा है वह रोन दो डोगरे इं आखना चाहते हैं जल्द इलेक्शन आ उल दिखे जाए जिधर मर्जी जायो लेकिन कम से कम जम्मू की जी आवाज चुकता जो जम्मू की गल करता है वे मौके पर खड़ो जरूर धन्यवाद साफ तौर पर आपने देखा युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने आज फिर से एक बार हुंकार भरी है उन्होंने कहा है कि भले ही इलेक्शन हो जहाँ मर्जी आप वोट करें जिस मर्जी पार्टी के साथ चलें पर सबसे बड़ा जब डोगरों के आत्म सम्मान पर उनके मान सम्मान पर उन पर कोई दुविधा आए तो डोगरों को एक होना बड़ा ही अनिवार्य है अन्यथा आने वाले समय में परिणाम अच्छे नहीं होंगे और युवा राजपूत सभा ने साफ तौर पर कहा कि झुकेगा नहीं रुकेगा नहीं जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी ली थी अब डोगरा जिन्होंने कहा कि चौधरी लाल सिंह जो है हमारे भाई हैं आज उन पर आपदा आई हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना खड़े हैं आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए जय हिंद जय भारत।